तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं MPPCS DSP रेडियो एंड कंप्यूटर रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 15 पोस्ट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई रोज़गार के लिए इतनी सख्त ज़रूरत है, इतने हमारे भाई दोस्त परेशान हैं और रोज़गार मिलने के आसार नहीं। तो भाई जो भी रोज़गार आ रहे हैं उसमें टूट पड़ो, जुट पड़ो और अपने मकसद को हासिल करो। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको आपको लाइव दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC के थ्रू ये आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ गाइस, ताकि आपको बेटर लगे। अब चलिए, ये मैंने दूसरा कलर ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है ये 5-7 एप्लीकेशन को विंग हुआ, मतलब जारी हुआ है, ये आपका जारी होगा, ठीक है, 5 जुलाई को। और इसका जो लास्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 अगस्त 2021 को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और यहाँ पर फाइनली लास्ट डेट ये देख सकते हैं 4 अगस्त, और करेक्शन भी आप कर सकते हैं 6 अगस्त को, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट इसका सून है, मतलब नोटिफिकेशन आपको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शुल्क संबंधी इन्फॉर्मेशन, अगर आप जनरल से हैं और अदर स्टेट से हैं, कहने का मतलब वैकेंसी तो है MP का, बट आप अगर अदर स्टेट के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप जनरल हैं और अदर स्टेट के हैं तो आपको 1000 रुपये का शुल्क देना है, और अगर आप MP के हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेते हैं, अगर आप मतलब आपको आरक्षण मिलता है तो आप 500 रुपये आपका सर्विस होगा जो शुल्क का, एप्लीकेशन का फीस होगा। करेक्शन का चार्ज भी आपको लगेगा 50 रुपये। इसका पेमेंट आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट किसी तरह भी, आप जो भी आपके पास मेथड होगा। चलिए यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आपकी एज क्या होगी। तो आपका एज जो गाइज है 21 से लेकर 33 यानी कि 21 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपका टोटल पोस्ट यहाँ पर शो कर रहा है 15 पोस्ट यानी कि 15 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपकी योग्यता BTEC इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इस पोस्ट के लिए यानी कि DSP रेडियो के लिए। दूसरा आपका पोस्ट है यहाँ पर DSP कंप्यूटर, इसके लिए भी BTEC इंजीनियरिंग होना चाहिए। और आपका जो एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट है, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मध्य प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे यानी कि ज़िले में, इंदौर है आपका, भोपाल है, जबलपुर है और यहाँ पर ग्वालियर है, ठीक है। तो इस प्रकार, और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाउ टू फिल, आप फार्म को कैसे कर सकते हैं, तो ये सब नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। और इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी सरकारी रिजल्ट या फिर आप रोज़गार रिजल्ट पर भी सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8261 9444 और 826 इस पर आप SMS कर सकते हैं या फिर आप वीडियो पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।